नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। लालू यादव का नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। राजद नेता लालू यादव ने एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। मोदी पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए लालू यादव ने कहा कि हस्तिनापुर में बैठा धृतराष्ट्र अंधा ही नहीं, गूंगा बहरा भी है। उसने दुर्योधन को समाज को तोड़ने की खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश की जोड़ी से बेहतर बिहार को कोई नहीं जानता। हम प्रवासी गुजरातियों को बिहार का सत्यानाश नहीं करने देंगे। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़, 4 जवान शहीद, 1 आतंकवादी भी मारा गया। कश्मीर घाटी में सोमवार को कुपवाड़ा जिले के एक वन क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ हुई भीषण गोलीबारी में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि जिले के लोलाब में एक अन्य मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि हंदवाड़ा के हफरूदा जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद एक अभियान चलाया गया, जहाँ आतंकवादियों के साथ हुई गोलीबारी में 4 जवान शहीद हो गए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश, सपा नेता आजम खान ने कहा। दादरी कांड के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान भी कूद पड़े हैं। इस मामले में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जाने की धमकी दे दी है। आजम का कहना है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। दादरी कांड पर आजम खान ने कहा कि बाबरी मस्जिद कांड के बाद जो हुआ वह सबको पता है, भाजपा को इसका फायदा हुआ। 6 दिसंबर की घटना के बाद मुजफ्फरनगर दंगों से इनको फायदा मिला और इसलिए बिहार चुनाव से पहले इस आग को लगाने की तैयारी है। आजम ने कहा कि कार्डजू ने एक नहीं कई बार कहा है कि मैंने गोमांस खाया है। 5 सितारा होटलों में गोमांस बिकता है तो लाइसेंस कौन दे रहा है? सरकार ही तो दे रही है। तो अगर खाना जुर्म है तो जहां परोसा जा रहा है उसका भी उतना ही जुर्म है। साध्वी प्राची की हत्या कर दी जाए, देवबंद नगर पालिका के अध्यक्ष ने कहा। समाजवादी पार्टी के नेता और देवबंद नगर पालिका के अध्यक्ष माविया अली ने जहर उगलते हुए कहा कि साध्वी प्राची की हत्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले साध्वी प्राची को सबक सिखाना ही होगा। अली का कहना है कि उनकी नजर में साध्वी प्राची की हत्या जायज है। मोदी के मंत्री महेश शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वह गौ माता को इतना ही प्रेम करते हैं तो उन्हें अपने प्रधानमंत्री से कहकर देश के उन 6 राज्यों पर परमाणु बम फेंकवा देना चाहिए जहां पर गाय काटने पर प्रतिबंध नहीं है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।